नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, जिसमें हमने चंद्रसेन तक का इतिहास देख लिया। आज हम देखेंगे आगे का इतिहास। आइए शुरू करते हैं। देखो, चंद्रसेन के बाद जोधपुर के नेक्स्ट जो शासक होते हैं वो होते हैं मोटा राजा उदय सिंह। चंद्रसेन के बाद जो शासक होते हैं जोधपुर के वो होते हैं मोटा राजा उदय सिंह। जैसा कि आपने देखा, मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन के ही भाई है। इनको राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया था। और अकबर का नागौर दरबार आपको याद होगा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। देखो, ये दिल्ली में मुग़ल बादशाह कौन है? अकबर। अकबर के यदि यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करें तो 1556 में वो गद्दी पर बैठे थे, 1605 में उनकी मृत्यु होती है। तो आपको याद होगा कि अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया। नागौर दरबार में ये तीन भाई थे, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और राम सिंह, तीनों आए थे। अकबर का झुकाव मोटा राजा उदय सिंह और राम सिंह की तरफ था, चंद्रसेन की तरफ नहीं था। चंद्रसेन बीच दरबार से चला जाता है तो अकबर ने कहा, खुदा ने इसको रूप तो बख्शा लेकिन भाग्य नहीं। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है जो है 1581 में पाली की सारण की पहाड़ियों में, सचियाप में। अब क्या है कि अकबर है वो मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक बनाते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये देखिए जोधपुर, जोधपुर के राजा कौन है? उदय सिंह। आप तो सुनते जाइए। और इधर दिल्ली के जो राजा है वो कौन है? अकबर। ठीक है, दिल्ली के राजा कौन है? अकबर। अकबर का एक पुत्र सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। और इधर मोटा राजा उदय सिंह की लड़की, जिसका नाम है मानमती, इसे जोधाबाई बोलते हैं, क्योंकि जोधपुर की, इसलिए इसका नाम क्या है? जोधाबाई। इसी को बोलते हैं जगत गोसाई। तो कहते हैं मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानमती, जोधाबाई या जगत गोसाई की शादी किससे कर दी? सलीम जहांगीर से, मुगलों की दीनता मान ली। और अकबर ने उन्हें उपाधि दे दी उदय सिंह को, कौन सी उपाधि? मोटा राजा की। तो इस तरीके से मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने। तो उदय सिंह की लड़की मानमती, जोधाबाई, जगत गोसाई की शादी होगी सलीम जहांगीर से। और सलीम जहांगीर ने इनको जो उपाधि दी थी वो उपाधि आप याद रखिए, वो उपाधि थी मलिकाए जहां। याद रखिए, जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? मलिकाए जहां। जोधाबाई की कौन सी उपाधि दी? मलिकाए जहां। जोधाबाई प्लस जहांगीर बराबर एक लड़का होता है खुर्रम। खुर्रम बाद में दक्षिणी भारत के अंदर अहमदनगर अभियान करता है, और अहमदनगर अभियान के बाद सलीम खुर्रम को भी क्या उपाधि दे देते हैं? शाहजा। तो एक तरीके थे मांस को कि क्योंकि जहांगीर के बाद यही गद्दी पर बैठते हैं, तो शाहजा का जो ननिहाल था वो जोधपुर था, मारवाड़ था। तो सिंपल, उदय सिंह के बारे में इतनी बात याद रखनी है, उदय सिंह को अकबर ने जोधपुर का राजा बना दिया। मुगलों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपनी पुत्री मानमती, जोधाबाई या जगत गोसाई की शादी सलीम जहांगीर से कर दी। इन्हीं से एक पुत्र हुआ था जिनका नाम खुर्रम, बाद में जहांगीर ने उनको उपाधि दे दी शाहजहाँ की, जो आगे चलकर हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि जहांगीर ने अपनी पत्नी जोधाबाई को भी मलिका ए जहाँ की उपाधि दी थी। ठीक, अब इधर देखिए, ये बात तो आप याद रख लोगे। नेक्स्ट देखो, थनके या बात याद रखनी है। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो मारवाड़ चित्रशैली है, मारवाड़ चित्रशैली, सिंपल सी बात है कि मारवाड़ चित्रशैली पर कौन सा प्रभाव आएगा? मुगल प्रभाव। आपसे पूछ ले कि मारवाड़ चित्रशैली पर मुगल प्रभाव किसके समय आना स्टार्ट हुआ, तो
मोटा राजा उदय सिंह के टाइम में, याद रह जाएगा। तो बस ये बात आप याद रखिए, मोटा राजा उदय सिंह और अकबर का जो संबंध था, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह के बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है, नेक्स्ट जो है, अच्छा एक चीज़ और याद रख लेना इसकी, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह, कौन था, किशन सिंह। और ये किशन सिंह क्या करता है, किशन सिंह 1609 ईस्वी में, याद रखिए ये अजमेर, और अजमेर में एक जगह है किशनगढ़, तो अजमेर की ये जो जगह है ना किशनगढ़, इस किशनगढ़ जो नई रियासत, राठौड़ों की नई रियासत स्थापित करता है, तो किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश की नींव डालते हैं। तो मोटा राजा उदय सिंह का लड़का किशन सिंह, जिन्होंने किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश की नींव डाली। मोटा राजा उदय सिंह के बाद नेक्स्ट शासक याद रखिए, जोधपुर के नेक्स्ट शासक होते हैं शूर सिंह। शूर सिंह को जो उपाधि दी गई थी, शूर सिंह को जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि आप याद रखिए, वो उपाधि है सवाई की उपाधि। तो शूर सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी, सवाई की उपाधि दी गई। और शूर सिंह ने क्या किया, शूर सिंह ने एक तो मेहरानगढ़ में मोती महल बनवाए, मेहरानगढ़ में क्या किया, मोती महलों का निर्माण करवाया, और जो मेहरानगढ़ के नीचे तलहटी के महल बनवाए, तलहटी के महल है ना, तो मोती महल हो गया। दूसरा याद रखिए तलहटी के महल, और एक तालाब बनवाया, कौन सा, सूर सागर। तो सूर सागर तालाब, ये तो सूर सिंह से नाम से याद रह जाएगा, मोती महल और तलहटी महल। तो अभी तक हमने देखा कि ये जो है दो शासक पढ़ लिए, मोटा राजा उदय सिंह का मुगलों के साथ संबंध, और नेक्स्ट जो है आपका सूर सिंह, जिसने सूर सागर, सवाई की उपाधि, तलहटी के महल, मोती महल। नेक्स्ट देखो, सूर सिंह के बाद नेक्स्ट जो शासक है वो है आपका गज सिंह। यदि आप गज सिंह की बात करा तो गज सिंह की उपाधि ही दल थम्बन, इनकी उपाधि क्या है, दल थम्बन, दलथन इनकी उपाधि थी। अब सुनिए, ये जो गज सिंह है ना, गज सिंह के दो पुत्र आप याद रखिए, बड़ा पुत्र था उसका नाम था अमर सिंह, और जो छोटा पुत्र है वो है जसवंत सिंह। हुआ क्या, गज सिंह की एक प्रेमिका थी, उस प्रेमिका का नाम है अनारा। अनारा के प्रभाव में रहता था गज सिंह। कहते हैं कि एक दिन की बात, हालांकि देखो इनके दो लड़के, जिनमें जो अमर सिंह है वो बड़ा है, है ना, अमर सिंह ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा है, छोटा पुत्र कौन सा है, जसवंत सिंह, गज सिंह इनके पिता है, अनारा इनकी प्रेमिका है। कहते हैं कि एक दिन की बात है कि अनारा जब बैठी थी और वहीं गज सिंह बैठे थे, तो जसवंत सिंह ने इनका जो जो चप्पल है, जूते है, वो दूर थे तो उनको पास लाकर आगे खिसकाए और पैरों के पास रखे। तो उस दिन के बाद जो अनारा है वो प्रभावित हो गई। अनारा ने कहा कि जोधपुर का जो है नेक्स्ट शासक आप जसवंत सिंह को बनाई, भले ये ज्येष्ठ हो, सॉरी भले ये कनिष्ठ हो, हालांकि ज्येष्ठ लड़का कौन था, ज्येष्ठ लड़का तो अमर सिंह है, ठीक है। अमर सिंह है वो हट्टी स्वभाव के थे, थोड़े झगड़ालू स्वभाव के थे, इसलिए जो है गज सिंह वो उनसे थोड़े नाराज रहते थे। तो अनारा बेगम के प्रभाव में आकर उन्होंने जसवंत सिंह को क्या बना दिया, जोधपुर का अगला राजा, मतलब अपना क्या बना दिया, उत्तराधिकारी, ठीक। एक बात तो ये याद रखिए, जसवंत सिंह को तो पढ़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन जसवंत सिंह से पहले अमर सिंह के बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं। तो इधर देखिए, इधर जो आप देख रहे हो ये दिल्ली में उस समय मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां, ठीक है। तो कहते हैं ये अमर सिंह है वो शाहजहां के पास चला गया, ठीक है। तो अमर सिंह किसके पास चला गया, नाराज होकर शाहजहां के पास चला गया।
शाहजहाँ के पास ये 1633 से लेकर 35 तक रहा था। कहते हैं शाहजहाँ इनसे प्रभावित हो गए थे, है ना। तो शाहजहाँ ने इनको दो चीज़ें दी, एक तो उनको नागौर का परगना दे दिया, मतलब नागौर का क्या दे दिया, परगना, ठीक है। एक क्या दिया, राव की उपाधि, नागौर का परगना और राव की उपाधि दे दी। कहते हैं ये अमर सिंह झगड़ालू टाइप के थे, जिद्दी टाइप के थे, शूरवीर थे। तो कहते हैं कि ये जब मुग़ल दरबार में ये मनसबदार वगैरह जो भी थे उनकी मीटिंग होती थी, तो एक बार अमर सिंह वहाँ नहीं पहुँचे। अमर सिंह नहीं पहुँचे तो कहते हैं शाहजहाँ ने, शाहजहाँ एक मंत्री था सलावत खान, सलावत खान को भेज दिया कि आप पनिशमेंट देकर उन पर जुर्माना लगाओ अमर सिंह पर, कि आप तय समय पर मुग़ल दरबार में नहीं पहुँचे। तो ये जो सलावत खान जो शाहजहाँ का मंत्री है, उन्होंने कहते हैं कि इस अमर सिंह पर जुर्माना लगा दिया। तो प्रत्युत्तर में अमर सिंह ने कहा कि जुर्माना के तौर पर आप मेरी तलवार ले लो, यही मेरी संपत्ति है। इस टाइप का आदमी था। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तो ये पहुँचे दिल्ली दरबार में, पहुँचे शाहजहाँ का दरबार चल रहा था, और उस शाहजहाँ के दरबार में उस सलावत खान ने अमर सिंह को भला बुरा कह दिया, अनपढ़ गवार कह दिया। तो शाहजहाँ के भरे हुए दरबार में अमर सिंह ने सलावत खां के सीने में कटार घोंप दी और सलावत खां को भरे दरबार में वहीं ढेर कर दिया। यहाँ तक कि शाहजहाँ पर भी हमला कर दिया, कहते हैं शाहजहाँ है ना भग लिया। और फिर अर्जुन गोड़ नाम का वहाँ कोई दरबार में था, उसने षड्यंत्र से उनको बुलाकर, कहते हैं वहीं जो है दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ इनको मार दिया गया। और हालांकि जो राठौड़ थे अमर सिंह के साथ भी सैनिक थे, उनका छोटा बड़ा झगड़ा लड़ाई भी थी, और ये लाल किले में वो जगह जहाँ पर अमर सिंह का वध किया गया था, तो ये राठौड़ी भी सैनिक भी इनके साथ थे, मुगल सैनिकों के साथ उनका जो झगड़ा हुआ, संघर्ष हुआ, जिसमें कहते हैं कि उस जगह जहाँ अर्जुन गोड़ की सहायता से, अर्जुन गोड़ के षड्यंत्र से मुगलों ने अमर सिंह को मार दिया था, दिल्ली के लाल किले में वो जगह बुखारा द्वार के नाम से फेमस है, और उसका नाम, दूसरा नाम अमर सिंह का फाटक भी है। तो ये बात आप याद रखिए। तो अमर सिंह के बारे में, तो अमर सिंह ने क्या किया, सलावत खां की क्या कर दी, सलावत खां की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। बाद में अमर सिंह का भी वध कर दिया गया, अमर सिंह का भी क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया। किसकी सहायता से, अर्जुन गोड़ ने षड्यंत्र किया था, तो अर्जुन गोड़ की सहायता से षड्यंत्र करके। तो ये है अमर सिंह की बात। चलो हम पढ़ेंगे जसवंत सिंह। तो गज सिंह के बाद नेक्स्ट उत्तराधिकारी होता है वो कौन है, जसवंत सिंह। तो आइए शुरू करते हैं जसवंत सिंह। देखो जसवंत सिंह इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें क्या करना है, इनका तो टाइम पीरियड पूरा याद रखना है। जसवंत सिंह, ठीक है, ये जसवंत सिंह फर्स्ट है, फर्स्ट में लिखो चाहे मत लिखो, फर्स्ट फर्स्ट ही है ना, याद रहिएगा। अब देखो जसवंत सिंह और टाइम पीरियड था ना, याद रखो, पढ़ लो। 1638 में ये गद्दी पर बैठे थे और 78 तक ये रहे थे, याद रहिएगा। अब देखो थोड़ी सी बातें आप देख लो, इनके समकालीन चीज़ें जब थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। जोधपुर में तो आपको पता ही है कौन है, जसवंत सिंह। जोधपुर में जब जसवंत सिंह शासक है, ठीक उसी समय दिल्ली की बात करें, दिल्ली में शाहजहाँ, क्योंकि शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है वो है 1628 से लेकर 58 तक, ठीक। शाहजहाँ के बाद जो राजा बना मुग़ल बादशाह है वो है औरंगजेब, और औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो है 1658 से लेकर 1707। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों के समकालीन हैं, शाहजहाँ के समकालीन है और औरंगजेब के भी समकालीन है। देखो क्या हुआ, पहले तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आप लोगों को कि हुआ क्या था। एक बार तो इनकी पत्नी का नाम याद रखो, इनका पत्नी का नाम है जसवंत दे। देखो जसवंत सिंह खुद का नाम है और पत्नी का नाम है जसवंत दे। अब आपको पता होगा, देखो
देखो हुआ क्या था, शाहजहां जब बीमार पड़ गया, कब 1658 में, शाहजहां जब बीमार पड़ गया तो शाहजहां ने अपने सबसे बड़े लड़के दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि तीन लड़के और भी थे, औरंगजेब जो आप देख रहे हो, मुराद और सुजा, तो क्योंकि दारा को उन्होंने क्या कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो कहते हैं कि अब बाकी जो लोग हैं इस गद्दी के लिए संघर्ष करते हैं। इतिहास के पन्नों में ये मुगल उत्तराधिकार युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि शाहजहां ने तो दारा को घोषित किया था, तो जाहिर सी बात है जब उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो ये लोग शाहजहां का पक्ष लेंगे, मतलब दारा का पक्ष लेंगे, और यही हुआ। जसवंत सिंह ने भी दारा का पक्ष लिया। तो कहते हैं मुगल उत्तराधिकार युद्ध में एक युद्ध होता है और वो युद्ध यहाँ होता है, और उस युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। तो कहते हैं कि ये जगह है धर्मत। धर्मत का जो युद्ध हुआ, धर्मत के युद्ध में एक तरफ कौन है? दारा, जिसकी पक्ष ले रहे हैं जसवंत सिंह। दूसरी तरफ कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब और दारा के बीच में युद्ध हुआ, इसमें दारा की क्या हो गई? हार। मतलब जसवंत सिंह का जो पक्ष हार गया, औरंगजेब की क्या हो गई? जीत। और जसवंत सिंह वापस जब धर्मत के युद्ध के बाद जब आया कहाँ, जोधपुर आया, तो पत्नी जसवंत दे ने दुर्ग के जो द्वार है वो बंद कर दिए, दुर्ग के द्वार बंद कर दिए। मैसेज भिजवाया कि क्षत्रिय है या तो युद्ध मैदान में जीत कर आते हैं या फिर लौट कर नहीं आते। उसके बाद कहते हैं जसवंत दे की सासू, मतलब जसवंत सिंह की माता के कहने पर, है ना बाद में दुर्ग के द्वार खोले, समझाने पर दुर्ग के द्वार तो खोल दिए, लेकिन कहते हैं जो उस दिन भोजन है वो सोने चांदी के पात्रों में नहीं कराकर लकड़ी के पात्र में करवाया। लकड़ी के पात्रों में क्या करवाया? भोजन करवाया उस दिन। ठीक है, आगे देखिए। जसवंत सिंह अच्छे जो लेखक थे, इनकी रचनाएं को आप देखेंगे तो उनकी रचनाएं हैं, एक है भाषाभूषण, भाषाभूषण, आनंद विलास, भाषाभूषण, आनंद विलास, भाषाभूषण, आनंद विलास और सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध। ठीक, अब देखो मुगल उत्तराधिकार युद्ध में उन्होंने क्योंकि दारा का ही पक्ष लिया था, ठीक उसी टाइम यदि हम बात करें, ये रियासत है, वहां जो राजा होते हैं वो होते हैं मिर्जा राजा जैसे। तो यहाँ मतलब ये जयपुर है, आमेर बोल दो या जयपुर बोल दो, ये जयपुर आमेर रियासत है। यहाँ के जो राजा है वो है मिर्जा राजा जयसिंह। हालांकि मिर्जा राजा जयसिंह ने भी, मिर्जा राजा जयसिंह ने भी क्या किया था, इन्हीं का पक्ष लिया था दारा का। हालांकि उन्होंने बहुत जल्दी इनका पक्ष छोड़ दिया, लास्ट टाइम में ये कहाँ चले गए थे, औरंगजेब के पक्ष में चले गए थे। बाद में जसवंत सिंह को उन्होंने विश्वास दिलवाया, और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर वाले ने विश्वास दिलाया, और फिर किन के पास ले गया इनको, औरंगजेब के पास ले गया। बाद में औरंगजेब ने इनको माफ़ भी कर दिया, हालांकि कभी इन पर विश्वास नहीं किया, इनके हमेशा पोस्टिंग दूर रहती थी। जैसे इनकी मृत्यु अफगानिस्तान काबुल के जमरूद के थाने में हुई थी, मुगल थाने में, तो इसे स्पष्ट जाहिर है कि कभी औरंगजेब ने 100% इन पर विश्वास नहीं किया। चलो और देखिए जसवंत सिंह ने क्या किया। जसवंत सिंह ने एक जोधपुर में तालाब बनाया जिसका नाम है कल्याण सागर। तो एक तो उन्होंने कल्याण सागर बाग बनाया, सॉरी कल्याण सागर तालाब बनाया, एक उन्होंने बनाया रायका बाग, रायका बाग, ठीक है। बिंग अलावा इनके टाइम में कागा का बाग लगाया गया, कागा का बाग, कागा बाग का बाग जोधपुर में है, जहाँ काबुल से मिठे अनार लाकर उन्होंने यहाँ उगाए थे, काबुल से अनार लाकर कागा के बाग में लगाए, है ना, ये अनार फेमस है अपने खास मिठास के लिए। तो ये जो है जसवंत सिंह लेकर आते हैं, तो कल्याण सागर तालाब, रायका बाग और कागा का बाग, जिसमें काबुल से लाए हुए अनार के, है ना, बीज उन्होंने पेड़ उगाए थे। तो जसवंत सिंह की ये आपने बातें सारी पढ़ी, अब हम बात करेंगे जसवंत सिंह के बारे में और क्या क्या बातें हैं। देखो जसवंत सिंह के बारे में और क्या क्या बातें हैं,
जसवंत सिंह की यदि और बात करा तो देखो कि जसवंत सिंह जो है उनके जो दरबारी कवि की बात कर लेते हैं, मतलब इनके सॉरी दीवान की बात कर लेते हैं, तो जसवंत सिंह का जो दीवान है वो है मूढ़ोत नैण सिंह। तो जसवंत सिंह के जो दीवान है वो कौन है? मूढ़ोत नैण सिंह। मूढ़ोत नैण सिंह है, उनकी दो किताबें आप याद रखिए। एक तो उन्होंने ख्यात लिखी, कौन सी? मूढ़ोत नैण सिंह ख्यात, अपने नाम से मूढ़ोत नैण सिंह ख्यात, याद रह जाएगा। और दूसरा लिखा मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत। परगना समझते हो? विगत का मतलब इतिहास ही होता है, इतिहास लिखने की विधा। एक ग्रंथ है मारवाड़ रा परगनारी विगत और एक है मूढ़ोत नैण सिंह ख्यात। मूढ़ोत नैण सिंह ख्यात तो याद रखना राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है ना, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन ख्यात है ना। और ये ध्यान रखिए मारवाड़ रा परगनारी विगत, परगना मतलब छोटी छोटी जागीरें हुआ करती थी उनको परगना बोलते थे। मारवाड़ का परगनारी विगत इसे बोलते हैं राजस्थान का गजेटियर, याद रह जाएगा। कहते हैं कि जब, क्योंकि आपको याद होगा औरंगजेब इनको साउथ में भी भेजते थे, कहते हैं जब जसवंत सिंह कहाँ गए हुए थे? साउथ, दक्षिणी भारत अभियान पर गए हुए थे, तब इनकी नैण सिंह से क्या हो गई? मूढ़ोत नैण सिंह से अनबन हो गई है ना। और जसवंत सिंह ने मूढ़ोत नैण सिंह को कहाँ डाल दिया? कारावास, जेल में डाल दिया। भी आपने गबन कर लिया, इस पर किसका आरोप लगाया? गबन का आरोप लगाया। और जेल में ही कहते हैं मूढ़ोत नैण सिंह ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली है ना। अंत बड़ा दुखद हुआ मूढ़ोत नैण सिंह का, ठीक, याद रह जाएगा। वही मूढ़ोत नैण सिंह जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का अउल फजल। मूढ़ोत नैण सिंह को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं राजस्थान का अउल फजल। क्या कहते हैं? राजस्थान का अउल फजल, ठीक है। इतनी बात है ना याद रखनी है, और की बात याद रखनी है। और देखो इनके टाइम दुर्गादास राठौड़ की बात मैं बता देता हूं। दुर्गादास राठौड़ इन्हीं के समय होते हैं। दुर्गादास राठौड़ कौन है बात करेंगे। देखो दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम था आसकरण, ठीक। तो दुर्गादास राठौड़ के जो पिता थे उनका नाम क्या था? आसकरण। कहते हैं कि आसकरण की पहले जो शादी हुई उस पत्नी से दुर्गादास राठौड़ पैदा हुए। बाद में किसी कारणवश आसकरण ने क्या किया? दुर्गादास और उसकी दुर्गादास की माँ को अलग कर दिया। तो दुर्गादास बचपन में अपने माँ के साथ रहे थे, एक गांव में लूणवा गांव में रहते थे, खेतीबाड़ी का काम करते थे। और आसकरण क्या? जसवंत सिंह के दरबार में काम कर रहे हैं। एक दिन की बात कहते हैं दुर्गादास जब खेत की रखवाली कर रहे थे तब ऊंट पालक थे जिन्होंने दुर्गादास के खेत में ऊंट बाँट दे, ठीक है भाई, ऊंटा खेत में काफ़ी नुकसान करो। दुर्गादास जब आए तो बन मना करया, तो बाई लोगा जका ऊंट पालक का राय का जो भी है बाई लोगा दुर्गादास ने तो डांटो, जो को डांटो बिंगलावा जोधपुर राजा जसवंत सिंह के बारे में भला बुरा काम। तो दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? उनकी हत्या कर दी। तो एक व्यक्ति मारा गया। ये बात पहुंची कहाँ? जसवंत सिंह के पास। तो दुर्गादास राठौड़ को जसवंत सिंह पेश किया गया। जसवंत सिंह ने पूछा दुर्गादास राठौड़ को कि आपने इनको क्यों मारा? तो दुर्गादास राठौड़ ने निर्भीकता से बताया कि आपके बारे में उन्होंने भला बुरा बोला तो मैंने इनका वध कर दिया। तो कहते हैं कि जसवंत सिंह ने उसी समय कहा था कि आगे चलकर एक दिन ये दुर्गादास राठौड़ है वो मारवाड़ का उद्धार करेंगे। और सच में हुआ ही यही कि दुर्गादास जो है मारवाड़ के उद्धार कहलाते हैं। देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मारवाड़ का उद्धार किया। फिर जो है दुर्गादास जसवंत सिंह के
वहाँ दरबार में नौकरी करते हैं। ठीक है, तो दुर्गादास के बारे में आप थोड़ी थोड़ी बातें देख लेवा। एक तो वो बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसे याद रह जाएगा। दुर्गादास को बोलते हैं मारवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का उद्धारक। दुर्गादास राठौड़ को बोलते हैं जो है मारवाड़ का चाणक्य। दुर्गादास राठौड़ को बोलते हैं राठौड़ों का यूलिसस। क्या बोलते हैं? राठौड़ों का यूलिसस। दुर्गादास राठौड़ को बोलते हैं मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का चाणक्य, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और राठौड़ों के यूलिसस, ये तमाम दुर्गादास राठौड़ के क्या अपन तरीके से कह सकते हैं कि ये उपनाम है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखो फिर बात करेंगे। देखो, ठीक है, हालांकि कालांतर में हम देखेंगे कि दुर्गादास राठौड़ जोधपुर छोड़कर कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़ आ जाते हैं, और फिर कहाँ जाते हैं? उज्जैन आ जाते हैं। उज्जैन, वही उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ, उसी उज्जैन में कहते हैं कि 1718 में दुर्गादास राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु। यहीं क्षिप्रा नदी के किनारे 8 खंभों की दुर्गादास राठौड़ की क्या छतरी बनी हुई है। हम देखेंगे दुर्गादास राठौड़ का पूरा परिचय मैंने संक्षिप्त में बता दिया है, हालांकि इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो मैंने ये जोड़ने का प्रयास किया कि जसवंत सिंह की वो घटना और सारी चीज़ें। ठीक, अब वापस हम जसवंत सिंह पर आते हैं। तो ये दो लोग जिनके बारे में देखा, ये दोनों जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। देखो, जसवंत सिंह के बारे में हमने क्या पढ़ा, टाइम पीरियड आपको याद है 1638 से लेकर 78। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, बाकी सारी बातें कर ली, एक मिनट में रिकॉल करवा रहा हूँ। उत्तराधिकार युद्ध में दारा का पक्ष लिया, औरंगजेब के विरुद्ध लड़े, धर्मत के युद्ध में हारने के बाद जब आए तो जसवंत ने द्रुक की गेट नहीं खोले, बाद में जसवंत सिंह की माँ के समझाने पर खोले, लेकिन भोजन है वो लकड़ी के पात्रों में करवाया। फिर आपने देखा कि जसवंत सिंह अच्छे लेखक थे, आनंद विलास, सिद्धांत बोस्त और भाषाभूषण जैसे ग्रंथों की रचना करते हैं। कल्याण सागर तालाब, राय का बाग और कागा के बाग, जहाँ काबुल से लाकर अनार के पेड़ लगाए, ये सारी चीज़ें हमने देखी। औरंगजेब ने कभी इन पर विश्वास किया नहीं। जब दक्षिणी भारत में थे तो मनोहर नैणसी को क्या डाला? गबन के आरोप में जेल डाला, उन्होंने जेल में डाला, तो मनोहर नैणसी ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। इधर दुर्गादास राठौड़ वाली बात मैंने आपको बताई, क्योंकि आपको पता है कि औरंगजेब ने कभी इन पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। ठीक है, तो समकालीन तो शाहजहाँ भी है और क्या है, औरंगजेब भी है। तो देखो, दिल्ली में शाहजहाँ भी इनके समकालीन है ना, शाहजहाँ, याद आया शाहजहाँ का देखा था ना, शाहजहाँ का हमने देखा, शाहजहाँ भी क्या है, इनके समकालीन है। ठीक है, शाहजहाँ भी क्या है, इनके समकालीन है। देखो कैसे, शाहजहाँ, शाहजहाँ है ना, तो मैं लिख देता हूँ शाहजहाँ। 1628 से लेकर 58 तक शाहजहाँ, और उसके बाद कौन आते हैं? औरंगजेब। औरंगजेब कब? 1658 से लेकर 1707। ठीक है, देखो, जोधपुर का राजा जसवंत सिंह, हुआ क्या था, इनकी दूर दूर पोस्टिंग कर रखे थे। तो ये देखिए, ये आपका है अफगानिस्तान, और इधर अफगानिस्तान में एक जगह है काबुल। काबुल में जो जगह थी वो थी जमरूद का थाना, उस कहते हैं जमरूद के थाने में, जमरूद के थाने में ही 1678 में जसवंत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु, याद रह जाएगा। और कहते हैं इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है। क्या कहा? आज कुफर का दरवाज़ा, आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया, मेरे धर्म का विरोध करने वाला चला गया। ये जरूर याद रख लीजिए, आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया, औरंगजेब ने कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर। जब मृत्यु हुई तो ये कहाँ थे? ये थे अफगानिस्तान में काबुल के पास जमरूद के थाने में थे।
तो अब औरंगजेब षड्यंत्र करते हैं। क्या षड्यंत्र करते हैं देखो, जब इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी दो रानियां थी जो क्या थी, गर्भवती थी। दो रानियां थी, दोनों ही गर्भवती थी। एक का नाम था जादम और एक का नाम था नरुकी। तो नरुकी और जादम दोनों इनके साथ थी और दोनों ही क्या थी, गर्भवती थी। तो औरंगजेब ने षड्यंत्र किया, कहते हैं कि इनको कहाँ, जमरूद से सीधा इनको कहाँ बुला लिया, दिल्ली बुला लिया गया। ठीक है, कहाँ, दिल्ली बुला लिया गया। और क्या किया, कहते हैं कि जादम से एक लड़का हुआ, एक पुत्र हुआ, हालांकि कालांतर में वही अजीत सिंह के नाम से क्या बैठता है, कहाँ, जोधपुरी गद्दी बैठते हैं। अब स्टोरी सुनिए, औरंगजेब का ये षड्यंत्र था कि इनको जब बुला लेंगे उसके बाद देखेंगे कि जो है इस्लाम, ये जो बालक है इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो जोधपुर की गद्दी देंगे वरना नहीं देंगे। और इधर अमर सिंह का पुत्र इंद्र सिंह के साथ बात स्टार्ट कर दी है ना। तो क्योंकि ये दिल्ली बुलाकर उनको दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रुकवाया गया था, इन रानियों को रूप सिंह जो राठौड़ है उनकी हवेली में रुकवाया गया था। कौन सी हवेली में, रूप सिंह राठौड़ की हवेली। तो रूप सिंह राठौड़ की हवेली में इनको रुकवाया गया था, राठौड़ ही सरदार इनके साथ थे। तो दुर्गादास को जब पता चला, दुर्गादास दिल्ली गया, दुर्गादास ने ये महसूस किया कि औरंगजेब अजीत सिंह को नहीं बनाना चाहता जोधपुर का शासक। तो कहते हैं इस हवेली से बड़ी चालाकी से दुर्गादास ने उस बालक को, अजीत सिंह को, उस बालक को निकाला और उस बालक को लाकर है ना यहाँ सिरोही के अंदर, याद रखिए ये सिरोही के अंदर एक जगह है कालिंद्री, उस कालिंद्री नामक जगह पर क्या किया, इनको सुरक्षित पहुंचाया, वहां इसका लालन पालन हो रहा है। बाद में क्योंकि ये देखिए ये रियासत कौन सी है, मेवाड़, ये जो मेवाड़ रियासत का राजा है राज सिंह, बाद में क्योंकि जादम थी वो मेवाड़ की राजकुमारी थी, बाद में कालिंद्री से इनको कहाँ पहुंचाया गया, राज सिंह। राज सिंह ने अजीत सिंह को क्या दी, शरणदीर कुमलगढ़ के पास कौन सा पट्टा दिया, केलवा का क्या दिया, पट्टा दिया केलवा का पट्टा दिया। तो ये जो स्टोरी है, अब अजीत सिंह अभी छदम नाम से किसी को पता नहीं है और यहाँ धीरे 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 बड़ा हो रहा है और दुर्गादास की देखरेख में सारा काम हो रहा है। इधर औरंगजेब ने क्या कर दिया, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। तो आज तक जो हमने पढ़ा है वो जसवंत सिंह की मृत्यु और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद किस तरीके से उस बालक को रूप सिंह राठौड़ की हवेली दिल्ली से दुर्गादास राठौड़ निकालकर कालिंद्री सिरोही मिलाते हैं, फिर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास ले गए जिन्होंने उनको केलवा का पट्टा दिया कुमलगढ़ पास, और धीरे धीरे इधर अजीत सिंह जो बालक है वो बड़ा हो रहा है। दुर्गादास लगातार मुगलों से क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है दुर्गादास राठौड़ के कंपटीटर जो राठौड़ी सरदार, इनमें आपस में जो है मनमुटाव हो जाता है और किस तरीके से यही बालक जो अजीत सिंह है आगे चलकर दुर्गादास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो तो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज तक हमने पढ़ा उसका अपन रिविजन कर लेंगे। आज हमने पढ़ा सबसे पहले चंद्रसेन का, जो पिछली क्लास में देख लिया चंद्रसेन के बाद हमने पढ़ा आज जो है मोटा राजा उदय सिंह, तो मुगलों से वैवाहिक संबंध, अकबर ने इनको मोटा राजा की उपाधि दे दी, उन्होंने अपनी पुत्री मानमती जगत गोसाई जोधाबाई की शादी कर दी सलीम जहांगीर से, जहांगीर ने उसको वो दी उपाधि दी मलिकाए जहां, उससे एक पुत्र हुआ खुर्रम, खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी जो बाद में शाहजहां के बाद आगे जाकर दिल्ली की गद्दी पर, जो जहांगीर के बाद शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, और उदय मोटा राजा उदय सिंह का लड़का किशन सिंह, जिन्होंने किशनगढ़ 1609 में किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश की शुरुआत करते हैं। और फिर हमने पढ़ा मुगल चित्रकला का प्रभाव मारवाड़ चित्रशैली पर आना स्टार्ट हुआ। फिर पढ़ा हमने सूर सिंह, सूर सिंह ने क्या किया, सवाई की उपाधि और तलहटी के महल, मोती महल और सूरसागर तालाब।
फिर हमने पढ़ा गज सिंह की उपाधि दलथम्मन, अनारा के प्रभाव में आकर उन्होंने अमर सिंह राठौड़ को वंचित कर दिया बड़े पुत्र को, और जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अमर सिंह के बारे में पढ़ा कि वो थोड़ा जिद्दी टाइप का था, झगड़ालू था, निडर था, और वो चला गया नाराज होकर शाहजहाँ के पास। 1633 से 1535 महाराज शाहजहाँ ने उनको नागौर का प्रगना दे दिया, राव की उपाधि दे दी। और एक बार जब शाहजहाँ के दरबार में गया तो सलावत खां द्वारा अनपढ़ गवार कहे जाने के कारण है मुगल दरबार में सलावत खां की हत्या कर दी। बाद में अर्जुन गोड़ ने षड्यंत्र करके वहीं है ना अमर सिंह राठौड़ का दिल्ली में वध कर दिया गया। जहाँ वध कर दिया गया वो गेट है बुखारा द्वार या अमर सिंह का फाटक। फिर हमने पढ़ा जसवंत सिंह, टाइम पीरियड लंबा है 1638 से लेकर 78 तक। शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों के समकालीन है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया, दारा का पक्ष लिया, धर्मत के युद्ध में हारा तो मेहरानगढ़ में जसवंत देने कुछ ने नहीं दिया। बाद में जसवंत सिंह की माँ के समझाने पर दुर्ग के गेट खोले लेकिन भोजन लकड़ी के पात्रों में दिया। फिर हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो है कल्याण सागर, राय का बाग और कागा के बाग में अफगानिस्तान में काबुल से मीठे नार लाकर यहाँ लगाए, पेड़ लगाए। फिर हमने देखा अच्छे लेखक भी है, कौन से ग्रंथ लिखे, भाषाभूषण, आनंद विलास और सिद्धांत भवन। फिर हमने देखा कि इनके दरबार में आसकरण और आसकरण का पुत्र दुर्गादास राठौड़ दोनों ही हैं, और एक इनका दीवान है मुणोत्नैण से, मारवाड़ रा प्रगना रिविगत जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, मुणोत्नैण से ख्यात, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन ख्यात है, और ये मुणोत्नैण से है उसे राजस्थान का अउल फजल कहते हैं। फिर हमने देखा कि 78 के अंदर क्या हुआ, इनकी मृत्यु जमरूद में हो जाती है, और मृत्यु के बाद औरंगजेब दो गर्भवती रानियां नरुकी और जादम को दिल्ली बुलाता है। और जब दुर्गादास को पता चला तो जादम से जो पुत्र हुआ था अजीत सिंह उसको वहाँ से निकलवा कर कालेंद्री लाया, कालेंद्री में सिरोही में छुपाया सबसे पहले उस बालक को। बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास ले गए, उन्होंने वहाँ शरण दी, कुंभलगढ़ के पास केलवा का पट्टा दिया। अब हम देखेंगे कि अजीत सिंह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, दुर्गादास राठौड़ लगातार मुगलों से संघर्ष कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से तो अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया जाता है, किस तरीके से ये अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित करते हैं, वो तमाम बातें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है, थैंक यू।